अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट उपर तैनात CISF ने नकली असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन गिरफ्तार किया है जिहड़ा कि एयरपोर्ट से लोगों को नौकरी दवाने के नाम से ठगी मारन का काला कारोबार करता सी। पुलिस मुताबक यह गल सामने आई है कि मोहनला नाम का यह व्यक्ति हुण तक 15 लाख रुपए की ठगी मार चुका है ते पेशे वजो पायलट भी है। अधिकारियों वालों उन्होंने इंटैलीजेंस विंग ने एक व्यक्ति ते शक पैणते जो अपने आप नूं DGCA दा असिस्टेंट डायरेक्टर दसदा सी अपना आई कार्ड दिखाउण वास्ते कहा जो अपना आई कार्ड पेश नहीं कर सके जिस नूं शक दे आधार ते इंटैलीजेंस CISF दे इंटैलीजेंस अधिकारियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी नाल तालमेल करके साडे हवाले किया जिसने पुछगिछ दौरान सानूं दस्सिया कि मैं DGCA दा जाली असिस्टेंट डायरैक्टर बनिया जिस दे खिलाफ FIR नंबर दर्ज FIR दर्ज की इन्वेस्टिगेशन जारी है। हुण तक इन्वेस्टिगेशन तक 4 बंदे सामने आ चुके जिन्हां ने तकरीबन 15 लाख की ठगी मार चुका। वह एक तो PCS अफसर है बलविंदर सिंह उस ठगी मारी है वो कोलों इन्हें 1.25 लाख रुपया लिया उस दे साले की बेटी एयरपोर्ट अथॉरिटी नौकरी दवाने वास्ते तो 2.5 लाख रुपया उस कोलों लिया इसने कहा भी मैं एयरपोर्ट के नज़दीक टावर लगा के तेनों 35,000 रुपया पर मंथ रेंट देंगा। इस तरह इन्हें 4 लोगों ने ठगी मारी है इतने एयरपोर्ट से टैक्सी स्टैंड है बार उन्होंने 4.25 लाख रुपए की ठगी मारी उन्होंने कहना मैं DGCA अधिकारी हाँ दिल्ली से मेरी पहुँच है मैं तुम्हें दिल्ली तो एयरपोर्ट के अंदर प्रीपेड टैक्सी का ठेका ले देंगे। एक होर गोपी कृष्ण नाम के व्यक्ति को 7 लाख रुपए की ठगी मारी है जिसन इसने कहा कि मैं तेनों DGCA Class 1 अफसर की पोस्ट दवा देंगा। एक कुछ पिछले कुछ दिनों इतने घूम फिर रहा है जिसन CISF के अधिकारियों वालों शक के आधार पर ही काबू किया गया जी ये को स्कॉडा गड्डी बरामद हुई है चंडीगढ़ नंबर की उस बारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सानू नोटिस आया कि ये गड्डी भी इसने बैंक तो जाली दस्तावेज दे के लोन